हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए वीडियो में मैं डॉक्टर विजय प्रताप शाही आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं फिर आपके लिए नई गवर्नमेंट की वैकेंसी लेके आया हूं। यह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, आप सभी भर सकते हैं और जॉब के लिए जा सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशन 24 से जो है अवेलेबल है, आ चुका है। लास्ट डेट जो है अप्लाई कर सकते हैं 23 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और लास्ट डेट एग्जामिनेशन फीस भरने की भी सेम यही रखी गई है। अभी एग्जामिनेशन डेट नहीं आई हुई है। जनरल ओबीसी और एडब्ल्यूएस के लिए 1050 फीस है 1050, और एससी एसटी के लिए 450 रुपीज रखी गई है। सभी कैटेगरी के फीमेल और हैंडीकैप के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं रखी गई है। एग्जामिनेशन फीस जो है वो डेबिट कार्ड के लिए, कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप किसी भी मोड में पे कर सकते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए जो टोटल पोस्ट आई हुई है, ए के लिए 15 पोस्ट है और बी के लिए 35 पोस्ट टोटल है। आइए बात कर लेते हैं इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रुप ए वैकेंसी जो इसमें आई हुई है उसकी डिटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार अगेंस्ट जो है लेवल लीव वैकेंसी। यहाँ से करिएगा फिर शुरू जरा, तो ये सारा बीच में जहाँ से स्टॉप करिए। टोटल पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। टोटल 51 पोस्ट आई हुई है जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए है। ग्रुप ए के लिए 15 पोस्ट है और ग्रुप बी के लिए 36 पोस्ट आई हुई है। पोस्ट कुछ इस तरह से है, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार अगेंस्ट लीव वैकेंसी के लिए है और इसमें वन पोस्ट आई हुई है। मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपको। एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर्स रखी गई है। डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो है डेपुटेशन पे वन पोस्ट आई हुई है। मास्टर डिग्री इन आर्ट साइंस और ह्यूमैनिटी 55% मार्क्स के लिए है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको भर सकते हो। और 15 इयर्स का एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है, एज लिमिट 55 इयर्स मैक्सिमम रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर के लिए वन पोस्ट है। एमटेक डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में हो, टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट के लिए हो, एज लिमिट मैक्सिमम 35 इयर्स है इसमें। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेपुटेशन पे वन पोस्ट आई हुई है। इंजीनियरिंग डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 ईयर एक्सपीरियंस के साथ है। एज लिमिट जो है इसमें 40 ईयर्स रखी गई है और डिटेल की नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हिंदी ऑफिसर जो है उसके लिए पोस्ट आई हुई है, उसके लिए वन पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल तक होना चाहिए उनका। मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट और डिग्री लेवल होना चाहिए, या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम में हो और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ डिग्री लेवल होना चाहिए, या मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट से हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी या सब्जेक्ट डिग्री लेवल तक होना चाहिए, और साथ ही ट्रांसलेशन वर्क जो है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है और डिटेल की नोटिफिकेशन देखें। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर डेपुटेशन के लिए वन पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद 55% मार्क्स और सीए एग्जाम पास होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 55 इयर्स रखी गई है। इसी तरह मेडिकल ऑफिसर की वन पोस्ट है। एमबीबीएस की डिमांड की गई है। डिग्री रिकॉग्नाइज मेडिकल काउंसिल इन इंडिया और एज लिमिट 35 इयर्स रखी गई है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी पीआरओ के लिए वन वैकेंसी है। मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से विद 55% मार्क्स, डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक और रिलेशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, एज लिमिट जो है 40 इयर्स रखी गई है। इसी के साथ साइंटिस्ट बी के लिए वन पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, एज लिमिट मैक्सिमम 35 इयर्स। साइंटिफिक ऑफिसर वन पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, एज लिमिट मैक्सिमम 40 इयर्स। सिस्टम एनालिटिक या सिस्टम प्रोग्रामर है, टू पोस्ट आई हुई है और इसमें एमटेक हो, सीएस हो या एमसीए हो 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, एमएससी सीएस या 6 ईयर एक्सपीरियंस और बीई बीटेक विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। एज लिमिट 35 इयर्स इसमें मांगी गई है। सिस्टम मैनेजर या सीनियर सिस्टम एनालिटिकल अनलिस्ट सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर, 3 पोस्ट इसमें आई है। बी बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आईटी विद 65% मार्क्स, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और पीएचडी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस और एमटेक एमसीए विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 40 ईयर्स के लिए डिमांड की गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रुप बी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो है टोटल 36 पोस्ट के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल वन पोस्ट है। फर्स्ट क्लास बी बीटेक डिग्री सिविल आर्किटेक्चर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट 45 ईयर्स रखी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर 8 पोस्ट आई हुई है। इसमें बी बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी या बीसीए बीएससी सीएस आईटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस,
डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्राम विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस, एज लिमिट 35 इयर्स रखी गई है। क्यूरेटर की जो पोस्ट है वो 3 है, मास्टर डिग्री इन फॉरेस्ट्री बॉटनी जो है एंसियंट हिस्ट्री जियोलॉजी और 60% मार्क्स, एज लिमिट 30 इयर्स। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट जो है 1 पोस्ट आई है, मास्टर डिग्री इन आर्कियोलॉजी विद 55% मार्क्स या MA होना चाहिए, इन एंशियंट हिस्ट्री इन डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी, एज लिमिट 35 इयर्स की डिमांड की गई है। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट इसमें आई हुई है वो है 2, इसमें BSc विद डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस, एज लिमिट मैक्सिमम जो है 30 इयर्स है। मोर डिटेल की नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की एक पोस्ट आई हुई है और इसमें 10+2 के साथ जो है साइंस स्ट्रीम के हो आप, BSc नर्सिंग और डिप्लोमा नर्सिंग हो, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल में हो और एज लिमिट मैक्सिमम 35 इयर्स हो। प्रोफेसर असिस्टेंट के लिए जो है 5 ईयर है, 5 पोस्ट आई हुई है MLIV साइंस में या MLIC या 55% मार्क्स के साथ, BLIV जो है साइंस में या BLIC हो 50% मार्क्स के साथ, एज लिमिट मैक्सिमम 35 इयर्स रखी गई है। सेक्शन ऑफिसर की 4 पोस्ट आई है, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में 55% मार्क्स के साथ, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 35 इयर्स रखी गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 40 इयर्स रखी गई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो 9 है और BTech डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड 60 मार्क्स विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट जो है मैक्सिमम 35 इयर्स रखी गई है। स्पोर्ट असिस्टेंट कोच के लिए 1 पोस्ट है, MPUD डिग्री विद डिप्लोमा इन कोचिंग और पार्टिसिपेशन इन असिस्टेंट गेम एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कोचिंग, एज लिमिट मैक्सिमम 35 इयर्स है। मोर डिटेल के लिए आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। अप्लाई करने के लिए हमने बहुत ही ईजी जैसा कि बना रखा है आपको, आपको बस क्या करना है, सिंपल टाइप करना है www.royalis.com पे और हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, अनाउंसमेंट सेक्शन में गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर जाना है आपको और उस पर क्लिक करेंगे, हमारे इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आकर के आपको नीचे आना है और यहाँ पर इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी के ग्रुप नॉन टीचिंग की है, लिंक दिया हमने, उस पर जाएंगे आप और हमारे उस पेज पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहुँच जाते हैं जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। नेक्स्ट जॉब के लिए हम फिर से आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों जैसा कि हम आपको लगातार ही हर दिन 2 से 4 या जैसी वैकेंसी आ रही है वैसे वैसे अपडेट करते चल रहे हैं, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए हम फिर आपके पास आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।